गुड मॉर्निंग पीपल, गुड मॉर्निंग फ्रॉम श्रीनगर। ये हम दूसरे हाउस बोट में घुस गए जहाँ हमारे दोस्त है। आज का व्लॉग अपने दोस्तों के साथ स्टार्ट करेंगे। पहले तो आपका स्वागत करते हैं। हेलो एंड व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। दिस इज आयुष मुल्तानी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपन दूसरे हाउस बोट में तो घुस गए। ये देखो, ये अपनी पार्टी इधर है। क्या हो रहा है पब्लिक? पब्लिक मचाएंगे, मचाएंगे पूरे दिन, मचा के पूरी रात मचा के। आज हमारा चेकआउट है फ्रॉम दिस हाउस बोट। आज अपना जस्ट ट्रैवल के साथ लास्ट दिन है, और जो बाकी का दिन है वो अपन स्पेंड करने वाले अपने साथ। मतलब तीन चार लोग हैं जो लोग अभी भी आज भी घर नहीं जा रहे। दो चार लोगों की फ्लाइट है जो लोग निकल जाएंगे चेकआउट करके सीधा एयरपोर्ट के लिए। पर अपन रुकने वाले हैं श्रीनगर में एक दिन, और वो होगा मी टाइम। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डल लेक का एक बहुत अच्छा सा ब्यूटीफुल सा नज़ारा दिखाना चाहता हूँ, जो कि आपको कैमरा से नहीं ऊपर से। ऑलराइट, तो अब हम टुकड़ों में टूटते टूटते जा रहे हैं। इन लोगों की फ्लाइट जल्दी है आज की, तो ये लोग निकल रहे हैं। ये लोग जाएंगे सीधा डल लेक के एंट्री पे, एंड देन दे विल टेक अ कैब टू एयरपोर्ट। हम आज यहीं रुकने वाले, जैसे कि आपको बताया। अपन कहाँ रुकने वाले हैं वो आपको थोड़ी देर में बताएंगे, क्योंकि हमारा भी चेकआउट अप्रोक्सीमेटली 11:30 बजे हम भी यहाँ से निकल जाएंगे। हमारी आधी पलटन जा रही है। गाइस बाय 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 विंडीज बाय 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 बाय, फिर मिलेंगे। ऑलराइट पीपल, फाइनली अपने हाउस बोट को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया। मिलते जरूर। ओके सर, थैंक यू। पक्षी और मैं, हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ, जो हमने हॉस्टल बुक किया है। हम दो ही है, तो पूरी हाउस बोट पूरी शिकारा अपनी है। अब लेंगे बढ़िया बढ़िया फोटो। ये निकल गए अपन पीछे, देखो ये भैया लेके जा रहे अपने को, और यहाँ से व्यू देखो। पक्षाल से हेलो, हाय। A few moments later. All right people, once again we are in Go Stops. Go Stop में फिर से अपने, ये अच्छी property लग रही है मुझे, पर ये श्रीनगर में, यहाँ पे इनका main ये है रिसेप्शन, और अभी अपन रूम की तरफ जा रहे हैं। प्रॉपर्टी देखो कितनी अच्छी है। गो स्टॉप मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं करता। इससे पहले मैं जोस्टेल यूज़ करता था, पर अब जब मेरा गो स्टॉप में इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, तो मैं गो स्टॉप ही प्रेफर करता हूँ। देखो प्रॉपर्टी देखो, क्या ही मिलेगा इतना सस्ते में और अच्छा।
पैसे नहीं बताऊंगा मैं कितने दिए, जज कर लोगे तुम लोग मुझे। पीपल ये देखो, ये अपना लगेज, ये एंट्री, और इधर से यहाँ जाएंगे तो अपना रूम, नॉट टू बिग, शॉर्ट एंड स्वीट, पर कलरफुल थीम, जैसा गोस्ट ऑफ का थीम है। ये यहाँ पे वॉटर वाटर सामान रखने के लिए, ये शीशा जिसमें अपन हीरो बन के दिखते हैं, और ये बाथरूम, बाथरूम भी काफ़ी अच्छा बड़ा है। अभी आगे का रोको लाइट मैम, अभी आगे का प्लान क्या है कुछ डिसाइड किया नहीं है, अगर कुछ डिसाइड करेंगे या फिर हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे तो आपको बताएंगे, फिलहाल तो हॉस्टल एक्सप्लोर करते हैं हम, है ना। देखो हॉस्टल का वाइब देखो, ये सब पूरा ऊपर गोस्ट ऑफ्स, इधर नीचे ग्राउंड फ्लोर में अपना रूम है, वो पक्षाल बैठा है, यहाँ पे इतना बड़ा लॉन है इनके पास, जो करना है करो, चिल करो, यहाँ पे वाइब्स नाइस, बैठो बातचीत करो, घूमो फिरो, ये भी है, ये भी है, और हम भी है। मास्टर वास्टर तो किया हुआ है हमने, ऐसा कोई इतनी खास भूख लगी नहीं है, अगर लगी तो यहाँ पे इन लोगों के पास 24 आवर्स ये भी है कैफ़े अवेलेबल, आप कभी भी खाना ऑर्डर कर सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही, कुछ हैपनिंग सा होता है तो मैं आपको बताता हूँ, जुड़े रहिए। और आई पीपल, अपन लंच करने के लिए आए हैं कैफे क्लाउड 9, कैफे क्लाउड 9, एम्बियंस काफ़ी अच्छा है कैफे का, ये देखो ऊपर इतना अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है, ये सामने पक्षल। अपन ने अभी कुछ पास्ता मंगाया, बिरयानी मंगाई, और इधर का काटे रोल मंगाया, इधर का भी काटे रोल खा के देखते हैं, कश्मीर में आया तो कश्मीर का क्यों नहीं, अभी आएगा तो दिखाता हूँ। और माय पीपल, अपना चिकन रेड सॉस पास्ता आ गया, इसका खाना नहीं आया, अभी वेट करें इसके खाने के लिए। हे पीपल, दिस इज द नेक्स्ट डे, सुबह सुबह हो रही है, टाइम अपडेट 6:50, 9:50 की अपनी फ्लाइट है, यहाँ से कुछ 10-12 किलोमीटर है एयरपोर्ट, अपन पहुँच जाएंगे 7-7:30 बजे तक। जल्दी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये एक डिफेंस एयरपोर्ट है और अपने को यहाँ का कुछ पता वता नहीं है, इसीलिए तो 3 घंटा पहले निकल रहा हूँ मैं, ताकि मेरी फ़्लाइट में कुछ डिले विले ना हो, अगर कुछ लगेज वगैरह का सीन भी हो तो भी अपन सॉर्ट कर लें। वो बाहर अपना रिक्शा दिख रहा है, रिक्शा मंगा दिया था, गोस्ट ऑफ्स वालों को मैंने सुबह बताया, रात को बताया तो उन्होंने मेरे लिए रात को रिक्शा अरेंज करा दिया। अभी पक्षाल आ रहा है, पक्षाल भी एयरपोर्ट पे ही जाने वाला है अपने साथ, उसकी फ़्लाइट है दिल्ली की, अपनी फ़्लाइट है मुंबई की, फिर निकल जाते हैं एयरपोर्ट पे, मिलते हैं आपको, रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग सा दिखता है तो वो दिखाते हैं आपको, जुड़े रहिए। अरे पीपल, फ्लाइट अपन ने बोर्ड कर ली, एयरपोर्ट का आपको कुछ नहीं दिखा सकते बिकॉज दिस इज़ अ डिफेंस एयरपोर्ट, हाई सिक्योरिटी। रोशनी का प्रकोप आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब विंडो सीट अपने को मिल गई है, ना आजू में कोई है ना बाजू में कोई है, तो अपने लिए विंडो सीट ले लिया अपन ने। एक्चुअली थी मेरी मिडिल सीट, विंडो सीट खाली थी, तो कैबिन क्रू ने कहा यू कैन टेक द विंडो सीट, हाउ सूट ऑफ द, यहाँ पे चल रही है एडिटिंग, आपको व्लॉग जो चला है। फ्लाइट है 3 घंटे की, तो 3 घंटे मैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर लूँगा, नींद मेरी पूरी हो चुकी है तो मुझे अब नींद आने वाली है, तो जितना हो सकता है मैं ये व्लॉग एडिट करके आज के आज, टाइम अपडेट इज 9:30, मैं एयरपोर्ट पे लैंड करती, अगर मुझे 15 मिनट या 20 मिनट भी मिलेगा, आई विल अपलोड द व्लॉग ओनली फॉर यू, जुड़े रहिए। और पीपल, टाइम से पहले फ्लाइट ने लैंड कर दिया, 12:45 का टाइम था, अपन ने 12:35 को लैंड कर दिया, वेरी नाइस, टाइम से पहले उड़ गए, टाइम से पहले लैंड कर दिया, लगेज बैग ले, सिर्फ ये लगेज लेना बाकी, दोनों बैग चेक इन करा दिए थे मैंने, लगेज लेते और फिर बाहर आके चलते। लगेज क्लेम कर लिया, कैब लेने से पहले खाने के लिए ले लेता हूँ क्योंकि मैंने लंच नहीं किया, कैब बुक हो जाएगी, कैब का 2 घंटा दिखा रहा है घर पहुंचने का, तो 2 घंटा तो मैं भूखा नहीं रह सकता, यहाँ से शॉर्मा वर्मा लेंगे, फ्राइज राइस लेंगे और गाड़ी में जाते आते खा लेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे क्योंकि 1:08 हो चुका है, अगर मैं लेट करके निकलूँगा तो फिर मुझे ट्रैफिक मिलेगा, बस इतना ही, खाना ले लेते हैं और आपको कैब में ही मिलते हैं। और पीपल, कैब ले लिया अपन ने, टाइम हो रहा है 1:15, अब 2 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, देखो कितना डर लगता है, इसलिए मैंने खाना ले लिया क्योंकि मैं भूखा नहीं लगता, सामान इधर आधा पीछे आधा डाल दिया, अभी अपन खा के पी के सो जाए, या अगर टाइम मिला तो बाकी की एडिटिंग कर लेंगे। आई नो मैंने आपसे कहा था कि मैं एडिटिंग ख़त्म कर दूंगा, पर मैं प्लेन में सो गया, थोड़ी बहुत एडिटिंग करी, बाकी का घर जाके। 2 hours later, people, आँखों में नींद है,
और थकान खूब, होम स्वीट होम, अपनी बिल्डिंग तो दिख ही रही है आपको है। और वो खड़ा अपना थॉर, मुझे अपनी थॉर भी दिख रही है। चलो घर चलते, घर चलते और घर पे जाके ब्लॉग ख़त्म करेंगे। पीपल होम स्वीट होम, अपना बेड वेड ऊपर उठाया हुआ है, ठीक है। अभी पहुंच गए अपन घर, टाइम अपडेट हो रहा है 15:45, मतलब 4 बज गए ऑलमोस्ट घर पहुंचते पहुंचते। इतना थक गया हूँ मैं, चाय बताऊँ। सबसे पहले आके मैंने एसी चालू किया, एसी दिख रहा, हवा हवा जा रही है थोड़ी एसी की, पर कोई बात नहीं। अब यहाँ तक की ये जर्नी, यहाँ तक का ये एपिसोड और ये सीरीज अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस इतना ही, और अपना कुछ नया सा ट्रैवल प्लानिंग चालू है, पर फिलहाल आपको वो चीज से दूर रखते हैं, सस्पेंस सस्पेंस थोड़ा सा। इस सीरीज के साथ यहां तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ये पसंद आए तो आई एम वेरी ग्लैड। जितना मजा मुझे आया लद्दाख घूमने में, आई होप उतना ही मजा मैंने आपको दिलाया अपने कैमरा से। बस इतना ही, थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे। सी यू ऑल सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर, हास्ता ला विस्ता, एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रीम बिग, ड्रीम बिग। थैंक यू वेरी मच।